नमस्कार पेरेंट्स एंड गुड मॉर्निंग किड्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारी पहली ये फर्स्ट क्लास है। हमारी लास्ट क्लास में हमने स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन सीखी थी। उसके बाद हमने एक अल्फाबेट लिखना सीखा था। उससे क्या सीखा था हमने, टीटा ट्री। हमने स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन से एक अल्फाबेट लिखना सीखा था। तो आज हम उसी की हेल्प से एक और नया अल्फाबेट लिखेंगे। कौन सा है वो, आज हम सीखेंगे एल लॉयन और एल लैम्प। ये क्या बना है, ये बना है लैम्प और ये क्या है, लेमन। लेमन नींबू, आप सबने देखा होगा घर पे होता है नींबू, लेमन। तो हम आज लिखना सीखेंगे एल लॉयन। हम कैसे लिखेंगे, अब हमने सबने कौन सी स्टैंडिंग लाइन कौन सी होती है, ये वाली, और स्लीपिंग लाइन कौन सी होती है, ये वाली। तो आपको L लिखने के लिए पहले ऊपर एक डॉट लगाएंगे और एक डॉट नीचे। अब इन दोनों आप डॉट्स को ज्वाइन कर दोगे, मिला दोगे ऐसे करके, तो ये बन जाएगी आपकी एक स्टैंडिंग लाइन। क्या बन गई ये बन गई स्टैंडिंग लाइन। अब यहाँ पर एक और डॉट लगा दोगे और इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर दोगे, मतलब मिला दोगे, तो ये बन जाएगी आपकी स्लीपिंग लाइन। तो हमने एक बनाई स्टैंडिंग लाइन और एक बनाई स्लीपिंग लाइन। तो इस तरह से हमने क्या लिख दिया, एल एल ल लैम और एल ल लेमन और एल ल लायन। ओके, तो आज हमने एक अल्फाबेट सीखा एल। आगे हम इसी तरह से स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन से कुछ और अल्फाबेट सीखेंगे, लेकिन हमारी नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू फॉर टुडे।